मैं जिलाधिकारी बहराइच। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु सिंह सभा के माध्यम से गुरुद्वारा बहराइच में आकर मत्था टेकने का। हमारे ग्रंथी साहब विक्रम सिंह जी ननाल, अन्य सभी प्रालोक का साथ मिला और काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है इसमें हम लोग सभी लोग दुखी हैं, परंतु जो सरकार द्वारा निरंतर योगी जी के नेतृत्व में न्याय दिलाने की जो कार्रवाई की जा रही है उससे हमारे सभी सिख समुदाय संतुष्ट हैं और उन्हें आशा है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जो भी परिवार उनको कष्ट हुआ है उन मृतक आत्मा को शांति मिलेगी और जो कष्ट उनके परिवार को हुआ उसके कष्ट के निराकरण के लिए जो भी संभव सहायता होगी वो लगातार की जा रही है। साथ ही न्याय की दिशा में जो ठोस कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं उससे हमारा सिख समुदाय संतुष्ट है। आप ज्ञानी जी से बात कर सकते हैं, मंजीत जी हैं, आप ज़रा बताइए कैसे। आप अभी तक जो भी प्रकरण रहा उसमें सिख समाज की ओर से जो भी मांगे रखी गई उन मांगों को पूर्णतः इस सरकार ने माना है। हम लोग अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और बाकी आगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है वो भी हमें लगता है कि सरकार और सब उनके ऊपर दबाव है और वो भी मांग पूरी होगी और हम पूरी तरीके से हम लोग आशान्वित हैं और करना सरकार को ही है। इसलिए हम लोग योगी जी से भी हम लोग संतुष्ट हैं, उनकी जो भी हम लोगों ने मांगे माननी है अभी तक उन्होंने माना है और उनका वैसे भी अभी तक योगी जी का अगर देखा जाए तो वो सिखों के प्रति उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जब से मैं मुख्यमंत्री हुआ हूँ अभी तक मैं लखनऊ में 16 बार धार्मिक स्थानों पर गया हूँ, 16 बार में से 14 बार मैं गुरुद्वारे गया हूँ और 2 बार मैं ये हनुमान सेतु पर स्थित हनुमान मंदिर गया हूँ। तो जो खुद अपने आप में सिख समाज के प्रति इतना संवेदनशील हो तो उसके प्रति हम लोग आशान्वित हैं कि वो हम लोग ग्रंथी साहब जो आज हमारे जो भी मान्य अधिकारी हमारे गुरुद्वारा में आए उन्होंने सिख समाज से जो भी और गुरुद्वारा बंदर कमेटी से जो भी बातचीत की है इससे हम सब सहमत हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।